अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की फिल्म है, क्या कुछ है फिल्म के अंदर, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। थैंक यू वेरी मच, खुश लगा हमें जो कि आप लोग पास भी मैसेज पहुंच गया कि अच्छे चले, इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद। उससे भी पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहना चाहता हूं, मांग रहा हूं कि थोड़ा सा लेट हुई, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। नमस्ते सबको। हाँ एक्चुअली मैं बहुत दूर से आया हूं, मुंबई आ गए, आप लोगों के प्यारे बहुत अच्छे शहर पर आ गए, यहाँ पर एक फिल्म बनाने की एक इच्छा जागृत हुई तो यहाँ आए, फिर हम लोग ने यहीं पर फिल्म शूट भी किए और धीरे धीरे अपना प्रोसेस बढ़ाते गए और सबका प्यार मिला तो फिर हम लोग ने रिलीज़ भी किए। आप लोगों की दुहाई, आप लोगों के सबकी साथ की वजह से फिल्म हॉल पर रिलीज़ हुई, उम्मीद से ज़्यादा लगा हमें। मैं भी बिल्कुल, ये मेरा एक्सपेक्टेशन मेरा उम्मीद से भी ज़्यादा है, मैंने इतना उम्मीद भी नहीं किया था, ताकि ये हैवान सस्पेंस थ्रिलर मूवी इतने दिन तक हम लोग थिएटर पर रख पाएंगे, मगर कृपा और साथ यहाँ के जनमानस ने हम लोगों को दिया तो 7 डेज तक हम लोग अच्छी तरीके से ये ग्लैमर जेटी गैलेक्सी पे पिक्चर को चालू कर सकें। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैं सभी मुंबई वासियों को, फिल्म प्रेमियों को और मुझे साथ देने वाले सभी कलाकारों को और ये रिलीज़ तक पहुंचाने के लिए साथ देने वाले मेरे सर एग्जीक्यूटिव संजय जोशी जी को और मीमो जादव जादव फिल्म के ओनर उनको, साथ में बहुत मुस्कुराते हुए आप लोग भी आज साथ देने आए और आप लोग के भी मेरी तरह से दिल से बहुत बड़ा बड़ा दिल के बहुत बड़े एक दिल से धन्यवाद। सर पब्लिक से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक से, हाँ पब्लिक से बहुत अच्छी रिस्पांस मिली, तभी 7 दिन तक हम लोग टिक पाए। मैं बिल्कुल डर गया था कि मैं क्या करूँ, एक छोटे शहर से आए, क्या करें क्या ना करें, मगर एक मुंबई में पब्लिक से, फिल्म प्रेमियों से 7 दिन तक पिक्चर को चालू रखने के लिए साथ दिए और फर्स्ट डे हम लोग को 80% से ज़्यादा ही प्रेजेंटेशन मिला, फिर सेकेंड डे 90 अबव ऐसे गया और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक हम लोगों का हाउसफुल ही गया, मोटा मोटी गया और कल भी हाउसफुल गया ना, मगर आज थोड़ा सा हम लोग कम ऐसा ही 80-85% हो गया। बहुत बड़ी बात है, ये पब्लिक रिस्पांस मिली, इसकी वजह से ही हमें खुश लगा, दिल में एक ये जो करना था हमने पहले डर रहे थे कि करूं भी कैसे करूं, प्रेस मीडिया एक ऐसा मीडिया है वो सारे संसार जगत पे चले जाते हैं, अगर मैं कुछ आगे बोलूं तो फिर अगर मैं नहीं कर पाया तो ये डर मेरा अपने दिल पे था, तो डर डर के मैंने कोशिश, हम लोग बात भी किए थे कि क्या किया जाए, तो बोले थे सर लोगों ने करना चाहिए, तो फिर मैंने बोला मना किए कि डर गए, अरे प्रेस मीडिया तो करेंगे ये मुंबई जितना बड़े शहर पे, मैं तो एक छोटी सी फिल्म लेके आया हूँ, तो अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर ये शर्मिंदे की बात होगी, तो मैंने नहीं किया। तो जब ये 6-7 दिन चला तो फिर हिम्मत जुटाई मैंने, तो आज ही मैंने कंटिन्यू चाहे जो भी हो कि खुश की वजह से मैंने इतना खुश हो गया कि आज ही मैं रहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें आज ही चाहिए, चाहे आर्टिस्ट हमें साथ दे को मिले ना मिले, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि जो आगे करना था जो मैंने नहीं किया, तो आज मैं क्यों रुकूँ, समय जा रहा है तो मैं आज ही करूँ, ये सोच के मैंने आज क्या किया, फिर आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ मेरा मिलान हो, एक आपस में मिल सकें, इसके लिए फिर सबको बोलें तो आप लोग साथ देने के लिए आ गए। इससे पहले मैंने पब्लिक का बहुत भरपूर साथ मिला आज से, और मैं बड़ा उम्मीद करता हूँ आज देखिए प्रत्येक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पेपर मीडिया जो जितना है वो आप लोग साथ देंगे, ये मेरा बड़ा उम्मीद लेके मैं अभी इस प्रेस विज्ञप्ति में खड़ा हूँ आया हूँ।
और पब्लिक रेस्पॉन्स जहाँ भी पिक्चर की उसमें अच्छा है, और मूवी की तरह जाऊँ तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। ये सामाजिक धरातल में लिखा गया मूवी है। इसमें महिलाओं को, चरित्रों को चरित्रित किया गया है कि महिला कुछ भी कर सकती है, उसको दिखाया गया है। एक महिला माँ होती है, एक महिला एडॉप्ट करती है, तो एक महिला की वजह से पूरे हैवान सृष्टि करते हैं। तो ये हैवान कोई भूत वाला वो हैवान नहीं है, जो क्या बोलते हैं हॉरर हैवान नहीं है, ये एक मर्डर मिस्ट्री मर्डरिश हैवान है। और सामाजिक धरातल पे लिखा गया एक अच्छे से सबके लिए यूए सर्टिफिकेट होल्डिंग किया गया एक पिक्चर है, सब फैमिलियों के लिए, सबको बैठ के देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के चैनल के थ्रू से सब और देखें, हिंदुस्तान में सब हमें साथ दें, ये उम्मीद करता हूँ। एक्टर डायरेक्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्टर डायरेक्टर्स में देखिए, डायरेक्टोरियल तो मैं देखिए इस धरती बहुत बड़ा मैं भी सीख ही रहा हूँ, उतना तो मैं नहीं बोल पाऊँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, ये सीखने की जगह है। ज्ञान और शिक्षा कभी भी पूरा नहीं होता है। तो मेरा तो मैं तो छोटी सी क्लास के अभी मैं अपने से समझता हूँ, मैं तो अब क्या बोलूँ, 1, 2, 3, 4 क्लास के डायरेक्टर बन के आए हैं। वो कोई नहीं कि अब क्लास 10 पहुँचना भी हमें बहुत टाइम लग सकता है। और एक्टरों में जितना भी मेरा एक्टरों ने साथ दिया, इसमें सीनियर एक्टर किरण कुमार जी है, और इसे ही फिर सीनियर एक्ट्रेस में सीता माता जी हैं, और फिर रमेश गोयल जी हैं आज प्रेजेंट है, ईशान खुरीशी और मोरलिस टीवी सीरियल वाले सब मिला के छोटा मोटा, नया को भी मैंने चांस दिए हैं, पुराना को भी चांस दे के हम लोग मिल के ये पिक्चर बनाए हैं सबका साथ में। प्रोडक्शन में भी सब प्रोडक्शन बॉय जितने साथ देने वाले सबका एक इक्वल कोऑपरेटिव सपोर्ट की वजह से मैंने एक पिक्चर बना पाए, और वो इक्वल कोऑपरेटिव सपोर्ट की वजह से अभी रिलीज भी कर पाए। रमेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। साल की शुरुआत बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो खासकर बहुत अच्छी है। देश में वो काम हो रहे हैं जिनकी उम्मीदें थी वो पूरे हो रहे हैं, और इसी खुशी में अब तक मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल था, लेकिन मैं 22 तारीख से 22 जनवरी से जब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन से मैंने अपना नाम मामा मारीच कर दिया है, क्योंकि मामा मारीच की भूमिका रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट थी। रोल छोटा था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थी। राम मामा मारीच के वजह से क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है रामायण का। तो मैं इतना ज़्यादा भाव विभोर हूँ, राम के चरणों में मेरा शीश है, और मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। अभी 50 साल तक मैं एज बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल जिंदगी जिया, अभी मैं मामा मारीच के नाम से जाना जाऊंगा, और मैं खुद मामा मारीच हूँ, सबका मेरा इंट्रोडक्शन यही है। दूसरी खुशी, ये जो फिल्म हैवान इसी साल रिलीज हुई जनवरी में, 19 जनवरी से शायद रिलीज हुई है, और मुंबई का एक थिएटर है ग्लैमर सिनेमा, गेटी गैलेक्सी के पास है, बांद्रा में, मुंबई में, अच्छा थिएटर है। फर्स्ट डे मैं भी था, हाउसफुल था, बहुत अच्छा लगा, फिल्म लोगों को पसंद आई, और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, जिनका नाम है मिस्टर विराट। शायद आप सिक्किम से आए हैं? मैं सिलीगुड़ी से हूँ, वेस्ट बंगाल से। हाँ, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, यहाँ के जान पहचान वाले बहुत अनुभव होने के बाद में भी फिल्म बना नहीं सकते, बनाते तो रिलीज नहीं कर सकते। इन्होंने सिलीगुड़ी से यहाँ पर आके फिल्म बनाई, कंप्लीट की, और वो रिलीज हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं चाहूँगा जनता जनार्दन से कि वो एक बार क्लैपिंग कर दें, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज का ज़माना OTT का है, लेकिन इनकी जिद थी विराट साहब की कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो लेकिन रिलीज भी मैं जो है थिएटर में करूंगा। ये हो सकता है कि वो कितनी चलेगी, कौन सा थिएटर होगा, लेकिन मैं थिएटर में इसको बनाऊंगा और फिर चलाऊंगा, और वही इन्होंने किया। इस बात के लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं, हमारी सबकी तरफ से इनको धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम चाहेंगे कि आगे भी
चूंकि इनकी प्लानिंग तो है, अभी जब फिल्म के एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए तो इनको फिल्म भी बनानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में ये मुंबई में बनाएंगे। हालांकि उसका आउटडोर हो सकता है कि सिलीगुड़ी हो, सिक्किम हो, नेपाल, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन फिल्म ये मुंबई में बनाएंगे, ऑफिस भी लेंगे, सब काम अभी मुंबई में होगा। तो हम जैसे एक्टरों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक घर और चालू हो गया। प्रोड्यूसर तो हमारा घर है ना, जहाँ से हमारी दाल रोटी चलती है, आप सब लोगों की चलती हैं। अगर प्रोड्यूसर जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं। प्रोड्यूसर है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। ये मामा मारिस बोल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी आपका, आपने मुझे देखा है काफ़ी 50 साल में, आप अगर मुझे YouTube पर, Google पर, Instagram पर, Facebook कहीं भी देखेंगे, रमेश गोयल सर्च करेंगे, मेरी 180 फिल्में हिंदी फिल्में Google पर, IMDb पर आप सर्च कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। और मैं पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहता हूँ कि 50 साल मेरे पूरे हो चुके हैं एज एन एक्टर, अब मुझे 25 साल का टाइम और दे दीजिए, 25 साल और काम करना चाहता हूँ मैं। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आपसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ, सबसे चाहता हूँ, यही मेरी आखिर में ये उम्मीद भी है। और आपके साथ में मैं इस बात की रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आगे काम करूँगा और स्वस्थ रहूँ मैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस उम्र के पड़ाव पर आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है, जो मुझे मालिक ने एकदम स्वस्थ रखा है और काम करने लायक रखा है, यहाँ आने लायक रखा है, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए। तो मुझे विराट सर ने, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं फिल्म के हैवान के, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, बुलाया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। मैं सबसे पहले मीडिया वाले को नमस्कार करता हूँ। मेरा इसमें एक छोटा सा रोल है, जो उसमें छोटा सा पैकेट मार में रहता हूँ, और सर तो बड़ा क्रिमिनल रहते हैं, तो हम इनके साथ में मतलब किरदार करते करते मैं इनके साथ में बड़ा क्रिमिनल मैं भी बन जाता हूँ। और हमेशा मतलब सर मुझे अपने साथ में ही रखते हैं, एंड में मतलब मर जाता हूँ। लेकिन फिलहाल फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल फिल्म जो अपना अच्छा बना है, और मैं भी परसों गया था देखने के लिए, काफ़ी लोगों को मुझसे सुना कि नहीं हैवान अच्छा मूवी चला, बहुत अच्छी है चला, परसों मैं भी जाकर देखा कि जाकर देखूँ मैं, पहला मूवी चल के सर आया, तो मैं भी जाकर के वहाँ देखा कि पूरा मूवी मतलब पूरा भरे पड़े थे। मैं लास्ट में गया, एक ही टिकट मुझे मिला, एक ही टिकट ही मुझे वहाँ बचा हुआ था। तो मैं जाता भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि सर का थोड़ा कामयाबी आगे बढ़े, तब तक हम लोग जैसे आर्टिस्ट का मतलब मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और बात बन जाएगी? हमने जो कोशिश की है वो रंग लाई है, यस, मतलब मेहनत अच्छी गई हमारी जी, तो पिक्चर भी अच्छी गई, बहुत बढ़िया गई। अभी ऑल ओवर इंडिया पिक्चर का मार्केट बढ़ गया है, बॉम्बे इतना हाउसफुल मिला ना उसकी वजह से, तो बाकी सब जगह भी अच्छी जाएगी। और आप सबको मेरा नमस्कार। हाँ, फिर ऑडियंस की तरह जाऊँ तो मैं मीडिया मार्फत, आप लोगों की मार्फत, सारे हिंदुस्तान की फिल्म प्रेमियों और जनार्दन को मैं नमस्कार करके तहे दिल से सबको फिर अनुरोध करूंगा, हैवान मूवी ऑल इंडिया बेसिस में ही रिलीज़ होते जाएगा, और जहाँ जहाँ रिलीज़ हो वहाँ जाके प्यार दें और पिक्चर को देखें, और इसमें सामाजिक जो धरातल में समाज को चित्रण किया गया है बहुत मैसेज उसको मैसेज गेन करें। और पिक्चर एक ऐसा होता है जिससे जनमानस में नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, तो मैंने भी पिक्चर के मार्फत से जनमानस को नॉलेज देने की कोशिश किया है, और वो सब जनताओं ने, हिंदुस्तान की जनताओं ने और प्यार दें, यही उम्मीद करता हूँ। और साथ में सारे मीडिया लोगों से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रियली क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स भी बैकबोन ना, विदाउट मीडिया ना पॉलिटिक्स चलती है, ना विदाउट मीडिया ना बिजनेस चलती है, ना विदाउट मीडिया कोई जिंदा है अभी। अभी कहीं जिंदा भी रहना है तो मीडिया ही जिंदा कर रहा है, मीडिया के थ्रू ही सब पब्लिक
जिंदा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग और साथ दें कल तक जेटी गैलेक्सी में भरपूर पब्लिकों को साथ मिला, और आज आप लोगों की साथ से मैं गौरविंद हूँ, हैप्पी फील करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमें आप लोगों के थ्रू से साथ मिले। धन्यवाद, मेरे लिए इतना ही। आप लोग कर रही है, बहुत सक्सेस कर रही है फिल्म, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले फिल्म के बारे में, आपके किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा किरदार तो इसमें एक नर्स का है, सिस्टर का छोटा सा कैरेक्टर है, बड़ा आई डू। नेक्स्ट फिल्म के लिए देखते हैं सर क्या ऑफर करते हैं मुझे। अच्छा किया, फिल्म भी अच्छे से शूट हुई हमारी, बहुत अच्छी लोकेशन भी थी, हम लोगों ने शूट के टाइम पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी चीज़ें और नई सीखी, सीखने को मिली, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। नेक्स्ट देखते हैं। एंड जो सक्सेस हो रही है उसको लेकर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ कॉम्प्लीमेंट मैसेजेस उस बारे में अगर कुछ बताया। मैं तो चाहती हूँ कि फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाए, और अभी जैसे भी रिस्पांस है वो पब्लिक का उसे सबसे अच्छा है कि लाइक पब्लिक लाइक कर रही है मूवी को, रिस्पांस दे रही है। सर ने भी काम किया, सर का भी उस हिसाब से पब्लिक, मतलब जिस स्टार से स्टार है उस हिसाब से पब्लिक अच्छा रिस्पांस कर रही है, तो देखते हैं आगे। विराट सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? विराट सर तो बहुत अच्छे थे, मैंने छा गए विराट सर के लिए तो तालियां। और हमारे कोई स्टार साहिल सर और रमेश गोयल सर, बाकी सब ने भी बहुत अच्छा किया, और सब बहुत कोऑपरेटिव थे शूट के टाइम पे, मतलब मज़ा आया शूट करने में, और इन लोग के साथ काम करके मुझे भी एक्सपीरियंस मिला, तो आगे मुझे वो काम आएगा नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट करूँगी तो सर लोग के साथ, और विराट सर भी मुझे सपोर्ट किए और शूट। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उनको, क्यों देखनी चाहिए और देखिए ये मूवी देख के मुझे भी, मतलब जब मुझे पूरी स्टोरी जब पता चली तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये लगा कि हाँ इस स्टोरी से ना पब्लिक को एक अच्छा मैसेज आएगा कि एक नॉर्मल इंसान जो मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, तो पब्लिक उनको कैसे, मतलब हमारी जो समाज है ना वो कैसे उसको मतलब एक इंसान से हैवान बना देता है, वो मैसेज जाता है इस मूवी में। तो ये मूवी एक ना मैसेज के लिए बनाई गई है, और अगर इंसान देखेगा, लोग देखेंगे इस मूवी को तो एक अच्छा मैसेज आएगा लोगों के थ्रू, तो इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस अगर मिलेगा तो ये एक फैल जाएगा कि हाँ लाइक एक इंसान को ना मतलब गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, जो लड़कियाँ होती है जो एक इंसान के साथ धोखा करती है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान एक फैमिलियर होता है, उसके लिए माँ बाप सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, एक लड़की भी इंपॉर्टेंट होती है, बट वो लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है और वो लड़की ही उसकी लाइफ बर्बाद कर देती है। तो ये हैवान मूवी का मैसेज था कि लड़कियाँ ऐसा ना करें कि एक इंसान को हैवान बनने पे मजबूर कर देती हूँ। थैंक यू।